सीएम सिटी करनाल के जिला परिषद में भाजपा समर्थित प्रवेश कुमारी को सर्वसम्मति के साथ नया चेयरमैन चुन लिया गया है। कई दिनों से जिला परिषद चुनाव में जीते हुए सदस्य चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के चुनाव का इंतजार कर रहे थे। ऐसे में आज वो इंतजार भी खत्म हुआ, जिसके तहत जिला परिषद को चेयरमैन के रूप में वार्ड नंबर 14 से प्रवेश कुमारी, जबकि वाइस चेयरमैन वार्ड नंबर 16 से रीना खरकाली को चुन लिया गया है। चुनाव में जीत के बाद भाजपा विधायकों और कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखी गई और लड्डू बांटकर चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को बधाई दी गई। मैं आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी का और सभी सदस्यों का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने सर्वसम्मति से मुझे बनाया। तो क्या कुछ रहेगा मैम विकास के लिए, किस तरह से विकास होगा? हम सभी वार्ड के विकास के लिए कार्य करेंगे और सबका मेंबर है जो सब अपने परिवार की तरह ही है और सब मिलकर काम करें। महिला है जैसे आपको चुना गया है, ये महिला है तो महिलाओं के लिए कुछ खास बोल रहे हैं? हाँ जी, महिलाओं के लिए जो उनके लिए रोजगार वगैरह जो गांव में है, बहुत सी महिलाओं ने कहा था कि हमें कोई ऐसा काम चाहिए जो हम अपने घर में बैठ के कर सकें, तो हम कोशिश करेंगे। और जो भी सरकार ने जो बनाए हैं वो सब लेके आएंगे। तो सबने सर्वसम्मति से चुना? हाँ जी सर, किसी का विरोध तो नहीं? नहीं, 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 कांग्रेस समर्थित? नहीं, 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 नहीं जी, सभी सब ने। तो आप वार्ड नंबर 14 से? हाँ जी, वार्ड नंबर 14। और वाइस प्रेसिडेंट कौन बना है? रीना जी। हाँ जी, हम पार्ट के आदेशों के साथ चले हैं, पार्ट ने वाइस चेयरमैन की पद दिया तो सर आंखों पर बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरीके से काम करेंगे आगे? हम महिलाओं के विकास पर विशेष ध्यान देंगे, लड़कियों की एजुकेशन पे। हाँ जी, महिलाएं जो इस काम के उनके लिए छोटी छोटी योजनाएं बनाएंगे ताकि कोई अपने रोजगार के तरीके अपने आसन के रोजगार के महिला शक्ति का कब्जा रहा है दोनों सीट। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है। महिलाओं का ही विकास बहुत ज्यादा होगा, उनको रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे अच्छे से अच्छे, ताकि उनको इधर उधर भी ना जाना पड़े। देखिए, ये मुख्यमंत्री जी की जो विकास की नीति है और पूरे हरियाणा प्रदेश को वो अपना परिवार मानते हैं। मुख्यमंत्री जी का एक नारा, हरियाणा एक हरियाणवी एक, उन्होंने भेदभाव की राजनीति हरियाणा में खत्म की है। हरियाणा का पूरा विकास और जो पूरे व्यवस्थाओं को ठीक किया है, ये उसके ऊपर मोहर पूरे करनाल जिले के लोगों ने आज लगाई है। जो करनाल की जिला परिषद और उसके साथ साथ गरोंडा, इंद्री और असंध, सभी चारों जगह जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन है वो सर्वसम्मति से आज चुने गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी आज ये जीत के साथ साथ एक बहुत हमारे लिए गौरव का क्षण है कि मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हुए सभी लोगों ने उनकी जो नीति है, विचार है, उसके ऊपर आस्था जताते हुए उस पर मोहर लगाई। असंध से कांग्रेस विधायक शमशेर सिंह गोगी ने करनाल की जिला परिषद में अपना चेयरमैन बनाने का दावा कर रहे थे, जो कि आज चुनाव के वक्त पूरी तरह से खोखले नजर आए। बता दें कि करनाल में दोनों पद चेयरमैन और वाइस चेयरमैन पर महिला शक्ति का कब्जा हो गया है। दोनों ने मीडिया से बातचीत में जिले का चौतरफा विकास कराने का दावा किया है। तो वहीं कांग्रेस की ओर से अभी तक इस चुनाव को लेकर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। करनाल से ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।